काबिल। याद रखिए रिश्वत क्या है, मैं उसका थोड़ा सा एक खाली एक डेफिनेशन देता हूं आपको मुख्तसर सा, कि रिश्वत वो चीज है जो आदमी किसी हाकिम या गैर हाकिम को इस मकसद के तहत देता है कि वो फैसला उसके हक में कर दे। रिश्वत वो चीज है जो इंसान हाकिम या गैर हाकिम को देता है जो कि उसके हक में कोई फैसला कर दे, या फिर किसी मनसब को हासिल करने, पोस्ट को, पोजीशन को हासिल करने के लिए कुछ पैसे देता है, इसको रिश्वत कहते हैं। वो रिश्वत के डेफिनेशन बहुत इख्तलाफ है उलमा का, जो सबसे बेहतर था वो यही मुझे लगा कि इंसान कुछ दे, इसमें माल जरूरी नहीं है, पैसा दे सकता है, सर्विस दे सकता है, हेल्प दे सकता है, अच्छे अच्छे खाने खिला सकता है, ये भी रिश्वत है। तो कुछ दे इसके एवज में किसी हाकिम या गैर हाकिम को कि फैसला मेरे हक में हो, या फिर किसी ऐसे शख्स को जो है पैसा दे कि उससे मनसब हासिल करे, पोजीशन पोस्ट, मैं टीचर बन जाऊं, मेरे को वो पोस्ट मिल जाए, वो डॉक्टर हो जाए, वो फला जगह मैं हो जाऊं, मैं मैनेजर बन जाऊं, ये होती है रिश्वत। ठीक, रिश्वत याद रखिए लेना और देना दोनों हराम है अल्लाह के रसूल ने। मुर्तशी रिश्वत देने वाला, मांगने वाला, और राशि रिश्वत का देने वाला लेने वाला, दोनों पर लानत भेजी है। तो रिश्वत ये बहुत संगीन जुर्म है, याद रखिए। अब रिश्वत की भी कई अकसाम है, बहरहाल मुख्तसर रख देता हूं।